जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी के अदाओं पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हुई बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो, करीब आ जाओ, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रुके न कोई, मैं चली मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अभी निकले हैं शादी पे जाने के लिए और रास्ते में हैं हम। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने दिखाना है, एक थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, वाइट कोरमा। और जैसे चावल सर्व किए हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से किए हैं। आ रहे हैं आबिद के भाई। मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, रीत कर रहा है। बिल्कुल जी। इसमें ना ये देखिए, हमें अच्छा सबसे पहले मैं इसको काटती हूँ। और ईरानी और हमारा जो अफ़गानी खाना है ना, उसमें साबुत अनार यूज़ होता है और ज़ाफ़रान यूज़ होता है, क्योंकि बस उन... अच्छा, जो नई साड़ी आई है वो ये है मेरी। बड़ी बात यह है कि जो साड़ी होती है वो टाइमलेस होती है, उसका फैशन कभी नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सुबह सुबह से ही स्टार्ट की अपनी वीडियो। मेरे पास पता बैकअप में कुछ पड़ी नहीं है। वीडियोज़ जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मैं घर पर हूँ और मैं बहुत मुझे है कि आप लोगों के सबके साथ कनेक्शन रहे, तो मैं सुबह अपनी वीडियो स्टार्ट भी कर रही हूँ यहाँ से। नाश्ता बाय द वे मैं कर चुकी हूँ, और जो लोग पूछ रहे थे डाइट का और वो बहुत, तो मैं कोई बहुत सुपर फिट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि सुबह यूजुअली, पहले तो मैं सारी ज़िंदगी कभी नाश्ता नहीं करती थी, तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती थी, लेने भी जाती थी, फिर वो मतलब मुझे याद था 12-1 बजे से पहले कभी जहन में ख्याल भी नहीं आया था कि कुछ खाना है, लेकिन अब ओवर द इयर्स अब मैं खाना शुरू हो गई हूँ, नाश्ता करना शुरू हो गई हूँ, तो मुझे मैं करती हूँ नाश्ता। एक स्लाइस तो नहीं, वो जो मैंने आपको दिखाया ना तहजीब के जो 5 ग्रेन वो है, उसका हाफ स्लाइस, ऑलमोस्ट एक स्लाइस के बराबर ही बन जाता होगा वो, और मैंने पोस्ट एग लिया है और मैं कॉफ़ी ले रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने दिखाना है, एक थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, वाइट कोरमा। और जैसे चावल सर्व किए हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से किए हैं। आ रहे हैं आबिद के भाई, और वो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं आबिद से मिलने के लिए, तो इसलिए मैंने नवीद से कहा अच्छा सा बनाए लंच बनाया है, आई होप वो आ जाए और टाइम हो लंच करने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस मैंने ना अपनी थोड़ी सी, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना पड़ा हुआ, ये एक दो साड़ियाँ अपनी निकाली हैं, आज मैंने अपनी एक और फ्रेंड है उसके घर, उसकी बेटी की आज रिसेप्शन है, मतलब उनका शादी पहले हो चुकी है लेकिन सिर्फ अभी रिसेप्शन पे जाना है, तो वो जाना है, मैंने शाम में 1-2 घंटे के लिए साड़ी पहन रही हूँ, और एक नई साड़ी भी मेरे पास गिफ्ट आई है, वो भी मैं शेयर करूँगी, और कुछ क्या होता है, तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। तब जो है ना मैदा लिया मैंने, ये मैं मक्खन डाल रहा हूँ, उसके बाद ये मैं एक एग डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको गूंदना है मैं। बिल्कुल, वैसे देख रही हूँ कि वो क्या कैसे बना रहा है।
बताया है मैंने वैसे उसे। रवीद मैंने तुम्हें कुछ बताया इसके बारे में? जी। क्या ये रेसिपी आपने ही बताई है? रेसिपी भी मैंने नहीं बताई, मैंने सिर्फ इसको बताया है कि ये बनाना है और अब ये क्योंकि बना लेता है तो ये बहुत अच्छा बना रहा है, सिर्फ मैंने इसको आइडिया दिया। आइडिया ये देखिए हमें। अच्छा सबसे पहले मैं इसको काटती हूँ। देखिए गरम गरम और इसमें है, थैंक यू रवि, इसमें रख दो बेटा, मैं ले लेती। अच्छा ये इसके अंदर आपको ये फिलिंग है इसकी, ये मैं प्लेट में डालती हूँ तो नज़र आएगा आपको। साथ भरे हुए खट्टे बैंगन है, ये मैं साथ रख देती हूँ ताकि वीडियो क्लियर आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये चिकन वाइट कोरमा है और इसको इसमें सर्व किया है, जो पराठा बना के और जो भी इसका तरीका होता है वो मैंने शेयर किया है। बॉयल्ड राइस है और इसको भी इस तरह से सर्व किया है, गरम है, बेक हुआ है तो डबल हो गया है। और ईरानी और हमारा जो अफ़गानी खाना है ना, उसमें साबुत अनार यूज़ होता है और ज़ाफ़रान यूज़ होता है क्योंकि बस उनका स्टाइल है। तो आज इसमें अनार भी डाले हैं और ज़ाफ़रान भी डाला है। अच्छा मैं डालती हूँ, फिर आपसे एक और बात करती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिनके लिए खाना बनाया था वो नहीं आ सके, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। अच्छा जी ये चिकन है, इसके अंदर आलू और हरी मिर्चें और लहसुन बना के नवीद ने इसको बेक किया और ये भरे हुए खट्टे बैंगन है। अच्छा मैंने ना एक बात जो कहनी थी, अच्छा एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि खाना तो सब अच्छा बनाते हैं, सब मतलब काफ़ी लोग अच्छा बनाते हैं, तो जो मेन बात है ना वो मेरे फादर कहते होते थे कि खाना बना हुआ है इट हैज़ टू बी सर्व्ड, यानी सर्व जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको खाने में मज़ा आएगा। इवन दाल चावल और शामी कबाब भी बने हुए, आलू की टिक्कियाँ भी बनी हुई हैं, तो जब तक आप उसको अच्छी तरह से रखेंगे नहीं, सर्व नहीं करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत समझे कि वेस्ट हो रही है क्योंकि आपने उसको खाने को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया। तो हमेशा जो भी खाना है उसको अच्छे से सर्व करें, अच्छे तरीके से। अगर आपके घर कोई गेस्ट हैं या नहीं भी हैं, जो मैंने आपके साथ एक पूरा ब्लॉग किया था कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दें, अच्छे कप में चाय पिएं, अच्छी अपनी क्रॉकरी और कटलरी यूज़ करें ताकि आपको मज़ा आए उस सिंपल खाने का भी। ये सब घर का खाना है और
बहुत मेहनत से नवीद ने सर्व किया था, वाइट कोरमा भी है साइड पे, और ये भरे हुए बैंगन। सब्जी बनाने में एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट लगती है, और मैंने नॉर्मल खाने को अच्छी तरह प्रेजेंट करके और सोचा था आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और जो मेहमान आने थे उनके साथ भी सर्व शेयर करूँगी, मगर वही बात है, रिस्क पे दाने दाने पे लिखा होता है जिसने खाना खाना होता है। तो वादे के मुताबिक मैंने आपको अच्छा थोड़ी सी साड़ियाँ निकाली हैं, ऐसा ऐसा जब मैं व्लॉग कर रही होंगी ना या जब मैं पहनूंगी तो मैं शेयर करती जाऊंगी। और थोड़े अर्सा पहले मुझे याद है मैंने साड़ी वाला व्लॉग किया भी था। ये मेरी मुकेश की साड़ी है जो मैं अभी अपनी मेरी फ्रेंड की बेटी की रिसेप्शन है उस पर पहन के जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आज दो तीन साड़ियाँ निकलवाई थी ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। अच्छा, साड़ी के साथ अगर कोई हेड कवर करता है हेड कवर कर सकता है, वो भी बुरा नहीं लगता। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ वो लोग करते हैं, और अगर बाल बांधना चाहे बाल बांध सकते हैं। मैं बाल बांध के ना इतनी थकती हूँ कि मैं बाल नहीं बांध रही आज बिल्कुल भी। साड़ी के साथ मैंने अपनी साड़ियाँ दिखानी थी, ये वाली तो आप पिंक वाली जो थी जो मैंने खाड़ी से ली थी ये वो है पूरी। अच्छा, जो नई साड़ी आई है वो ये है मेरी, ये अभी मैं सिलवाऊंगी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में, और सिलवा के अब हम मेरी फैमिली में, आबिद की फैमिली में बल्कि एक शादी है उसमें मैं पहनूंगी इंशाल्लाह। तो ये अभी तो मैं आपको इस, क्योंकि मैंने अभी सिलवानी है मैंने निकलवाई है, तो मैं इस तरह आपको क्लोज़अप भी इसका दिखा देती हूँ। इंडियन साड़ी है और इंडिया से कतर आई हैं, और कतर से मेरी जिठानी मेरे लिए लेकर आई हैं। साड़ी से ना इतना डरे नहीं, साड़ी बहुत कंफर्टेबल होती है, अगर उसका प्योर मटेरियल है तो आपको पहनने में बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साड़ी होती है वो टाइमलेस होती है, उसका फैशन कभी नहीं जाता, और कभी भी आप उसको आराम से पहन सकते हैं। तो जो आपकी पुरानी, अच्छा एक तो सबसे बड़ा जुर्म मुझे ये लगता है जो लोग साड़ी पह फाड़ फूड़ के और शलवार कमीज बना लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे साड़ी है वैसे ही आप इंजॉय उसको करें और पहने, क्योंकि शलवार कमीज़ का फैब्रिक तो आपको बहुत अच्छा बाज़ार में ही मिल जाता है, बनारस पे बहुत अच्छा मिलता है, जो बनारसी शॉप है पता नहीं क्या नाम है उसका, बनारस ही है शायद, हर जगह पे उसके आउटलेट्स हैं, इस्लामाबाद कराची लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हैं, वो आप पहन सकते हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपने लिए, मैं ये साड़ी दोबारा बनाऊँगी। अच्छा, ये मुझे ये साड़ी किसी ने गिफ्ट की थी, और ये बहुत बहुत पुरानी साड़ी है, और ये प्योर शिफॉन की है, मुकेश इस पर हुई हुई है, तो ये बहुत बहुत पहले की है। तो गिफ्ट किसने की थी, मेरी जाहिर है मेरी अम्मी ने ही गिफ्ट की, मतलब अम्मी के लिए कोई लाया था तो उन्होंने फिर मुझे दी थी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जो मैंने कहा था ना आइडियाज़ दूंगी, तो मेरी रोज़ की वीडियोस से आपको अगर कोई ना कोई आइडिया मिल रहा है कपड़ों का अपनी शादी आने वाले दिनों के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मास साहब का टेलर मास्टर का नंबर और मैंने बता भी दिया है, वो F7 में होते हैं जिनसे मैं कपड़े बनवाती हूँ, उनके पास आप जा सकते हैं। और हेयर केयर का मैंने एक ब्लॉग किया था लेकिन मैं अब दोबारा करूँगी, और ये मैंने सोचा है कि कल जो मैं ब्लॉग करूँगी कल मैं अपनी रिंग के बारे में आपको बताऊँगी। तो फिर दोबारा मिलते हैं। अच्छा, हम लोग अभी निकले हैं शादी पे जाने के लिए, और रास्ते में हैं हम, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। मौसम अच्छा है बहुत इस्लामाबाद का, पता नहीं चलता कि इतनी कि सर्दी अभी है, मतलब रोज़ ऐसे लग रहा था जैसे कल इस वक्त बहुत ठंड हो जाएगी और सर्दी हो जाएगी, तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, एक भी और बारिश हुई तो फिर फुल फ्रेश सर्दियां आ जाएंगी। तो उधर जाके अच्छा डिफरेंट, अब ना मैंने ज़्यादा ट्रेंड इस दफ़ा ये देखा है क्योंकि कोविड की वजह से दो एक साल तो बिल्कुल शादियाँ नहीं हुई, जो हुई वो भी बहुत थोड़े से लोगों के साथ हुई, तो अब लोग ये बहुत कह रहे हैं कि ज़्यादा फंक्शंस कर रहे हैं, मतलब जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, बहन भाई, खाला, मामू, चचा, ये लोग भी सब रौनक वौनक अलग से कर रहे होते हैं, तो रोज़ कोई ना कोई फंक्शन हो जाता है। उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जो दूल्हा दुल्हन के घर, जो शादी वाले घर में गेस्ट आए होते हैं ना, वो एक बारी यानी इस बहाने सब उनको बुला के अपने घर खाना वाना भी दे देते हैं, और
रौनक भी हो जाती है। चित्त कुकड़ बने रहते चित्त कुकड़।